फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे कवर करना चाहता था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैं अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ जिनका एम्स से सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आपको पता है एम्स जनरल कैटेगरी की कट ऑफ इस बार 705 है, ओबीसी का करीब 695-694 है और एससी कैटेगरी का करीब 674 है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैंने आर्यन से भी पूछा, वो अभी एम्स के अंदर है, मैंने उनसे पूछा आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट और कितने ड्रॉपर्स हैं, तो कह रहे थे करीब 4-5 बच्चे ड्रॉपर होंगे, बाकी सारे फर्स्ट अटैम्प्टर्स हैं। ठीक है, इस बार के भी जितने बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया लग रहा है काफ़ी सारे फर्स्ट अटैम्प्टर्स हैं। तो हो क्यों रहा है, यदि ये मान लें कि एम्स दिल्ली में पहुँचने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, सबसे टफ है वहाँ पर पहुँचना, तो वहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्टर्स का इतना डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई क्यों सिलेक्शन होता है, जबकि हमें पता है ये फैक्ट भी कि 80% जो टोटल सिलेक्शन होते हैं नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो ड्रॉपर्स होते हैं। पर जो ये टॉप कॉलेज है और इवन आप मौलाना आजाद में भी जाएंगे उसमें भी आपको एम्स जैसा नहीं दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट सारे फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं। मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, एक दो लोग ड्रॉपर्स होते हैं पर बहुत ज़्यादा ड्रॉपर्स नहीं होते। मौलाना आजाद में जाएंगे आपको थोड़े ज़्यादा ड्रॉपर मिलेंगे, पर ये एम्स दिल्ली जो बेस्ट कॉलेज है इसके अंदर इतने कम ड्रॉपर्स क्यों हैं, तो जरा सोचिए। पहली चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ये कुछ मिथ्स हैं, है ना, कुछ गलत चीजें लोगों को लगती हैं और जिसकी वजह से गड़बड़ होती है। पहली चीज, नीट और स्कूल की तैयारी साथ में नहीं हो सकती, स्कूल की स्टडीज और नीट साथ में नहीं हो सकता। जो ये डेटा है जो एम्स दिल्ली में फर्स्ट अटेम्प्टर पहुंचते हैं, ये प्रूव कर रहे हैं कि ये पहला वाला पॉइंट गलत है। और इसका फंडामेंटल लॉजिक ये है कि आप यदि खुद को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है, स्कूल और नीट का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, दोनों को आप साथ में कर सकते हैं, दोनों की थ्योरी सेम है, आपको स्कूल के हिसाब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने और नीट के हिसाब से एमसीक्यूज करने, तो दोनों आराम से मैनेज हो सकता है, पर खुद को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी चीज, ड्रॉपर्स को ज्यादा टाइम मिलता है तो उन्हें एडवांटेज होता है। मैं इस वाली चीज को आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या उन्हें सच में एडवांटेज है, जरा सोचेंगे इस वाली चीज के बारे में कि एक बेचारा फर्स्ट अटेम्प्टर तो बोर्ड के साथ नीट का एग्जाम दे रहा है तो उसको टाइम नहीं मिल रहा, ड्रॉपर को बहुत टाइम मिल रहा है तो उससे बहुत एडवांटेज है। यदि उसे एडवांटेज है तो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, सारे नहीं बोल रहा, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को दूसरे तरीके से मत लीजिएगा, इसको बताने का एक पर्पज है, आपको समझ में आएगा एंड तक आप वीडियो देखेंगे कि मैं इस वीडियो के थ्रू क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर यदि एडवांटेज होता तो एम्स दिल्ली के अंदर ज्यादातर फर्स्ट अटेम्प्टर क्यों पहुंचे हैं इस बार, सोचिए। और तीसरी चीज यह है, क्या 2500 घंटे की पढ़ाई 3 साल में, लेट से आपने 2 बार ड्रॉप किया, 3 साल कर करके आपने, और ये 2500 घंटे कहां से आ रहे हैं ये भी बताता हूं, इज दैट इक्वल टू 2500 आवर्स ऑफ स्टडीज इन 1.5 ईयर्स, मेरे हिसाब से नहीं है। अब मैं आपको जरा लॉजिक समझाता हूं, ये 2500 घंटे कहां से है, मैंने यहां पे बनाया मोटा मोटा नीट की तैयारी के लिए आपको इतने घंटे पढ़ने की जरूरत है, आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको मॉक टेस्ट करना है, आपको समझ में आता है। मैंने आपको बताया थ्योरी पढ़ने का मतलब वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी पढ़ा, 96 चैप्टर्स में अप्रॉक्सीमेटली 1200 से 1500 घंटे लगेंगे आपके। क्वेश्चन प्रैक्टिस मिनिमम मैंने लिखा है फिजिक्स केमिस्ट्री 100 क्वेश्चन, बायो में 200 क्वेश्चन, इसमें आपके 500 से 700 घंटे लग जाएंगे। और मॉक टेस्ट 25 मॉक टेस्ट दिए आपने, ठीक है, 20 घंटे पर मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन किया 12-13 घंटे का, 3 घंटे मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद 4-5 घंटे का आपने पोस्टमार्टम किया, 20 घंटे हर एक में लग गए, करीब 500 घंटे यहाँ पे हो गए। अब ये 2500 घंटे देखा जाए तो मोटी मोटी पढ़ाई यही है, वही एनसीईआरटी की किताबें, 10 किताबें 11th 12th की, ठीक है, इतने सवाल हैं, एंड में थोड़ा टाइम मिलता है थोड़े ज्यादा कर लो, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो, पर मोटा मोटा यही है। अब चीज क्या है, जब आप फोकस से इससे 1.5 साल में पढ़ते हैं, आपने 11th में इस टाइम के आसपास तैयारी चालू की और आप फोकस से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका एक फ्लो बना रहता है, ये फ्लो जब आप मल्टीपल टाइम ड्रॉप करके पढ़ते हैं तो ब्रेक होता है, ठीक है। आपने एक बार 1000 घंटे की पढ़ाई कर ली, पूरी तैयारी हुई नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे अभी कॉल करते हैं सिर्फ इस बात पर लड़ाई होती है, वीडियो कोर्स क्यों ज्वाइन करना है, कोचिंग क्यों ज्वाइन करनी है, अपने आप क्यों नहीं पढ़ सकते, अपने आप इसलिए नहीं पढ़ सकते कि ये वाला जो पार्ट है ना, समझने वाला पार्ट, ये आप खुद नहीं कर सकते, इसमें आपको स्ट्रगल होगा किताबों से। अब आप कहेंगे सर उस बच्चे का तो बिना क्लासरूम में कोचिंग जाए, बिना ऑनलाइन कोर्स किए सिलेक्शन हुआ था, ऐसा यदि इक्का दुक्का बंदा यदि आपको हर मेडिकल कॉलेज में मिलता है, ठीक है, तो क्या आप अपनी जिंदगी का भविष्य उस स्पेसिफिक एबनॉर्मल केस पे डिसाइड करना चाहते हैं, ऐसे केस पे डिसाइड करना चाहते हैं जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है? कोई रीजन है जिसकी वजह से ऑनलाइन कोर्सेज और कोचिंग एग्जिस्ट करती है? क्योंकि बच्चों को खुद पढ़ के
एक एनसीईआरटी की किताब लिखा, सब कुछ यहां पे है, पर अपने आप समझ नहीं आती, इसलिए इस वाली चीज की जरूरत होती है, इसलिए इस वाली चीज की जरूरत होती है। कोई जिम्मेदारी लेता है कि हाँ ये हमारा कोर्स है, इसमें टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ऐसे पढ़ाया है, इसमें क्वेश्चन होंगे, इस तरह से हम मॉक टेस्ट कराएंगे, पूरा कोई एक सिस्टम आपकी तैयारी की जिम्मेदारी ले रहा होता है, क्योंकि आप में खुद में वो डिसिप्लिन नहीं होता। ठीक है, तो अब ये वाली जो चीज है ना, आपने सोच लिया नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा, तो असलियत में क्या होगा, आप ये वाला पार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप ये पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ाई होगी, लिमिटेड समझ होगी, आपने पहले साल में उठा के उसमें से ये जो 2500 घंटे हैं, ये जो मैंने घंटे बनाया है ना, इसमें से करीब 1000 घंटे की पढ़ाई कर ली। अब आपने ड्रॉप किया, एक दो महीने फिर सोचने में लगा दिए, तो 1000 घंटे की जो सोच थी, सोचने में 800 घंटे की रह गई, चीजें आप भूल गए। अब आपने वापस चालू किया, आपको 2500 घंटे पे पहुंचा था, फिर आपको 1700 घंटे पढ़ना है, तो ये जो स्टार्ट स्टॉप होता है ड्रॉप के अंदर, ये बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है, और इसकी वजह से जो है आपकी तैयारी का लेवल उस जगह पे नहीं पहुंच पाता जहां पे जो एक फर्स्ट अटेम्प्टर है वो एक सिंपल चीज पे विश्वास रखता है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है। मोटा मोटा कोई कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स के अंदर उसकी करीब 2 से 2500 घंटे की तैयारी हो रही है, और इसके अंदर इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब कोई भी सवाल आ जाए मैं कर दूंगा, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहीं पे जाके ड्रॉपर के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है, वापस सुन लीजिए, खासकर ड्रॉपर स्टूडेंट जो देख रहे हैं, कहीं पे जाके आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि यदि मैं बहुत सारे सवाल लगा लूंगा तो सवाल मेरा पहचाना हुआ आएगा नीट के एग्जाम में, जैसे जो आप सवाल लगा रहे हैं वो नीट के एग्जाम की कुंजी है, ऐसा बिल्कुल गलत है। इसलिए ये वाला एडवांटेज ड्रॉपर को बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट डिसएडवांटेज होता है। यदि आपको जरा सा भी दिमाग में ये घुस गया कि मुझे बहुत सारे सवाल लगा लिए, बस सारे नीट प्रेप के सवाल लगा लिए, इसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे, ये सोच ही गलत है, क्योंकि सवाल तो जो ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसमें से आ रहे हैं, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से भी आ जाए उसके बाद आप कर दोगे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा देगा आप कर दोगे। और फर्स्ट अटेम्प्टर जो होता है ना उसके लिए फायदा होता है, ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। दूसरी चीज ये है, जो ड्रॉप करते हैं स्टूडेंट्स ये सोच के कि मुझे तो बड़ा एडवांटेज है, अभी तो बड़ा टाइम है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके कह रहे हैं सर अब बस चालू कर रहे हैं, मैं पूछता हूं अभी तक क्या कर रहे थे, कोई जवाब नहीं होता। भाई ये सोच जो है, आपको यदि अपने टाइम की कीमत नहीं पता है आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, आपने 2 महीने बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो सोचे की बात यह है, मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं एलिजिबल 51% है मेरा हो जाएगा नीट में, मैं उनसे कहता हूं एलिजिबल तो हो पर आप कट ऑफ पे पहुंच पाओगे, कोई रीजन है कि आपके 51% है, आपने चीजों को सीरियसली नहीं लिया। और यदि आपको एक ऐसा एग्जाम देना है जिसमें 16 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और 40,000 गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स हैं, और यदि आप एम्स दिल्ली की बात करें इसका मतलब आपकी टॉप 50 में रैंक होनी चाहिए, तो उस केस में दोस पीपल आर एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड, उनका एक रूटीन होता है, 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है तो 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है, रात को 11 बजे सोना है तो रात को 11 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है तो सुबह 6 बजे उठना है, डिस्ट्रैक्शन का टाइम फिक्स है, जब पढ़ रहे हैं तो दिमाग में और कुछ नहीं है, सुपर फोकस से पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें यदि आप ड्रॉपर हैं और यदि आप इस वाली चीज को चेंज करना चाहते हैं, ड्रॉपर्स का कम सिलेक्शन होता है पर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं ऐसी की तैसी आज तक जो भी हुआ उससे कोई मतलब नहीं है मैं पहुंचूंगा, तो आपको ये वाली चीज डालनी पड़ेगी अपने दिमाग में। सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास रखिए, अपने को टाइम दीजिए, उसको ऑर्गेनाइज करिए, और जब जो चीज करनी है वही करिए, एक रूटीन बनाइए और उसे फिक्स करिए। यह मैं आपको बताना चाहता था। ये जो बच्चा जो 11th के एंड के आसपास है, 11th के शुरू से तैयारी करता है उसमें ये कहीं ज्यादा होता है, जिनको क्विकली ये समझ में आ जाता है कि मैं अपना टाइम ऑर्गेनाइज कर लूंगा तो दोनों चीजें नीट और स्कूल की स्टडीज आराम से साथ में हो जाएगी। तो मैंने जो इस वीडियो में बोला जरा सोचिए इसके बारे में, मेरा पर्पस इस वीडियो का ये नहीं है कि मैं ड्रॉपर्स को डिस्करेज करूं कि आपका नहीं होगा एम्स दिल्ली में, मेरा कहने का ये पर्पस नहीं है। मैं आपको इस सोचने पर मजबूर करना चाहता हूं कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं एम्स दिल्ली, जो टॉप मोस्ट डिफिकल्ट कॉलेज है घुसने के लिए, ज्यादातर बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं। इसका रीजन क्या है? क्या आप यदि ड्रॉपर हैं आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्टर करता है? क्या आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? क्या आप लिमिटेड चीजों को तैयार करके उनको बहुत अच्छा कर सकते हैं? इस चीज के बारे में जरा सोचिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट बताइए। मैं आपको वापस बड़ा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मेरा पर्पस इस वीडियो का ये नहीं है कि मैं ड्रॉपर्स को बोलूं कि आपका एम्स दिल्ली में सिलेक्शन नहीं होगा, ये पर्पस नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एम्स दिल्ली में सिलेक्शन के लिए क्या मानसिकता
और क्या विचार चाहिए, लिमिटेड तैयारी, सिलेबस कंप्लीट करना और बिल्कुल फोकस रखना कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बच्चे ये सोचते हैं ऐसे नहीं ऐसे होगा, कोई बात नहीं, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। आप सोच लीजिए कि क्या आप सही कर रहे हैं, यदि आप अपने आप चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप ये सारी चीजें अपने आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।